हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है घिया के कोफ्ते बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं घिया के कोफ्ते बनाना। घिया के कोफ्ते बनाने के लिए हमने ये घिया लिया, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है और साथ ही इसको थोड़ा सा निचोड़ लिया है। इसका हमने निचोड़ के थोड़ा सा पानी निकाल के अलग कर दिया है। और ये हमने मसाले लिए हैं, थोड़ा सा जीरा लिया है, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, ये हम इसमें घिया के अंदर डाल देंगे। और साथ ही हम ये एक बाउल हमने बेसन लिया है, पर हम ये बेसन सारा नहीं डालेंगे, हम बेसन इसमें कम ही डालेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और ये हमने चुटकी भर हींग लिया है, हींग डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा और बेसन डालेंगे अब हम इसमें ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई है, इसमें से आधी डाल देंगे हम। अब ये हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। ये हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम बॉल्स बना लेते हैं घिया के। हम ये हम इस प्रकार से सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे इन्हें गोलाकार में बना सकते हैं। अपने इन बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। ये हमारे बॉल्स हल्के हल्के ब्राउन होने लगे हैं, ये पूरा ब्राउन होने देंगे हम। ये हमारे बॉल्स का कलर बहुत अच्छा आया है, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम अपने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। ये भी हमारे कोफ्ते बनकर रेडी होने वाले हैं। ये हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं सारे। ये हमने कढ़ाई ली है, अब हम इसकी कोफ्ते की ग्रेवी तैयार करेंगे। ये हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है ग्रेवी तैयार करने के लिए। ये हमारा ऑयल, थोड़ी देर तक हम इसको गर्म होने देंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे और साथ में ही हम इसमें जीरा डाल देंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें दो बड़े प्याज डालेंगे, हमने इसमें प्याज, और इसे अच्छे से भून लेंगे।
ये हमारे प्याज भुन चुके हैं। अब हम इसमें ये मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और गर्म मसाला, और साथ ही हम ये ग्रैंड किए हुए टमाटर डाल देंगे। ये हमने टमाटर, चार टमाटर ग्रैंड किए हुए हैं। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसमें हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, ये एक साइड रख दी है हमने। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि कोफ्ते सारा पानी सोख लेंगे। हम इसको उबाल आने तक पकने देंगे इसे 10-15 मिनट के लिए, जिससे कि ये हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाए। ये हमारी ग्रेवी पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ये कोफ्ते डाल देंगे। और इसे हम 5-7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि हमारे कोफ्ते अच्छे से रसा चला जाए कोफ्तों के अंदर। ये हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं और ये देखने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब हम इसको एक बाउल में सर्व कर लेंगे। कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी इन्हें जरूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।